Hi students, good evening Aryan. Okay, let us begin. Today again I am here with you. आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ और आज हम लोग करने वाले हैं अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. दिस इज अ शॉर्ट नोट, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये अच्छा है. इसमें बहुत सारे डेट्स वगैरह मैंने नहीं डाला है क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आप देख सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, साथ ही साथ आप नॉवेल, ड्रामा, पोइट्री, ये सब प्री एंड पोस्ट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं. गुड इवनिंग अंशुमन. Yes, so I have already uploaded those videos. तो आप playlist पर जाके देख सकते हैं. So it is going to be very very compact and a short note, so that you must be clear with the idea कि short note में हम Indian writing in English को कैसे define करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिगिनिंग एंड बैकग्राउंड, कि इंडियन राइटिंग की बिगिनिंग और बैकग्राउंड क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये हम लोग देखेंगे. सो सबसे पहली बात है कि इंग्लिश जो है एक फॉरेन लैंग्वेज है एंड द सीड ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वॉज सोन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. जैसा कि हम जानते हैं कि भारत गुलाम था और कि ये जो लैंग्वेज है इसकी जो सीड है वो अंग्रेजों के द्वारा ही बोए गए हैं, यहां शुरुआत उसी समय से हुई है. सो नाउ द सीड हैज ब्लॉसम्ड इनटू एन एवरग्रीन ट्री. अब यह जो है वो बहुत बड़ा एक छतनार वृक्ष बन चुका है, हरा भरा वृक्ष बन चुका है, यानी इस भाषा का एक बहुत बड़ा एरिया तैयार हो गया है. फ्रैग्रेंट फ्लावर्स हैं, यानी सुगंध देने वाले फूल हैं, एंड ड्राई फ्रूट्स अंडर द केयर ऑफ ग्रेट गार्डनर्स लाइक टैगोर, श्री अरविंदो, आर के नारायण, राजा राव, ये सब महान कुछ लेखक हैं जिन्होंने इसको सींचा, पाला पोसा इस पेड़ को, इट मीन्स इस अंग्रेजी के इस साहित्य वाले पेड़ को. टू नेम ओनली अ फ्यू, लुक्ड आफ्टर द टेंडर प्लांट नाइट एंड डे, दिन रात इसकी देखभाल की और बहुत अच्छे तरीके से इसको गार्डेंड किया और सजाया संवारा. तो इस तरीके से देख सकते हैं इनको कि कैसे बिगिनिंग हुई इंडिया में इंग्लिश राइटिंग की.
सो इन मॉडर्न टाइम इट इज़ बीइंग गार्डेड, अभी भी मॉडर्न टाइम में भी ये गार्ड किया जा रहा है, लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं. और नंबर ऑफ राइटर्स हु आर गेटिंग अवार्ड्स एंड अकोलेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही इसका सम्मान करते हैं, इसकी तारीफ होती है, लोग अवार्ड्स जीत रहे हैं. सो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती ही जा रही है, बहुत सारे नामी गिरामी राइटर्स भी आ चुके हैं. सो द फ्रूट्स आर बीइंग टेस्टेड नॉट ओनली बाय द नेटिव पीपल, केवल इंडियन लोग ही इसको नहीं चख रहे हैं, इसके जो लिखे हुए चीज़ें हैं अंग्रेजी में लिखी जाने वाली जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं वो केवल इंडियन लोग नहीं देख रहे, पढ़ रहे, समझ रहे, बल्कि विदेशों में भी अब इसका बोलबाला है. बट दे आर ऑल्सो बींग च्यूड एंड डाइजेस्टेड बाई द फॉरनर्स. तो फॉरनर लोग भी इसको इंजॉय कर रहे हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लाइक ड्रामा, पोइट्री, नॉवेल्स हैं और विदेशों में भी पढ़े जाते हैं इंडियन राइटर्स के. सो बिगनिंग इसकी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा तैयार हुआ है एंड द लैंग्वेज हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन सेवरल फील्ड्स इन एजुकेशन, लिटरेरी एफर्ट एंड एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एट्सेट्रा. तो यह है. गुड इवनिंग नेहा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सो ये लैंग्वेज जो है वो बहुत ही अपना एक इम्पैक्ट दिखा रहा है, हर फील्ड में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लाइक एजुकेशन है, लिटरेरी एफर्ट्स जो हो रहे हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में इंग्लिश का एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है. सो दिस वे वी हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन एंड इम्पैक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइफ एंड ऑल्सो वर्क्स. तो इस तरीके से इसका बैकग्राउंड तैयार हुआ है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ गोइंग अहेड हम लोग बात करेंगे कि एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है, क्या चल रहा है अभी. तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है एक ऑनेस्ट एंटरप्राइज है, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है इसका, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले जो हमारे जेम्स हैं, यानी जो हमारे रत्न हैं, वो महान लोग हैं और इंडियन राइटिंग इंग्लिश में उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, अपना एक बहुत शानदार प्रदर्शन भी दिया है. कैसे इसका एक कंट्रीब्यूशन जो है टुवर्ड्स द वर्ल्ड बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है. फॉर बीइंग अ सिंगुलर एंड एक्सेप्शनल रादर ग्रेजुअल नेटिव फ्लेयर अप ऑफ जीनियसेस, इंडियन राइटिंग हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ न्यू फॉर्म ऑफ इंडियन कल्चर एंड वॉइस इन विच इंडिया. आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडियन राइटिंग जो है वो बिल्कुल बदल चुका है, एक नया फॉर्म आ चुका है, इंडियन कल्चर को दिखाया जा रहा है, यह एक तरह से की आवाज़ बन चुकी है और इंडिया जो है कन्वर्ज कर रहा है अपनी चीज़ों को रेगुलरली दुनिया. तो इस तरीके से इंडिया ने अपना योगदान बहुत अच्छे तरीके से दिया है वर्ल्ड में. सो इंडियन जो राइटर्स हैं लाइक पोएट्स, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट्स एंड ड्रामेटिस्ट, जितने भी कवि हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, यहाँ तक कि जो ऐसे लिखते हैं, निबंधकार हैं, हैव बिन मेकिंग मोमेंचुअस एंड कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड लिटरेचर. प्री इंडिपेंडेंस एरा द पास्ट फ्यू ईयर्स हैव विटनेस्ड अ जाजेंटिक प्रॉस्परिंग एंड थ्राइविंग ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग इन द ग्लोबल मार्केट. तो इंडियन राइटिंग जो है वो हर क्षेत्र में प्री इंडिपेंडेंस एरा से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, फिर न्यू राइटिंग इन इंग्लिश जो आ गया है, मॉडर्न इंग्लिश राइटिंग है, इसमें यह थ्राइव कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, ग्लोबल मार्केट में इंग्लिश राइटिंग जो है वो दिखाई पड़ रही है, लोग इसको बहुत सराह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है आप देखने को मिल सकती है आपको. तो इस तरीके से एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन राइटिंग की वो बहुत ज़्यादा हो गई है. तो इस तरीके से हम इंडियन राइटिंग कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक पोएट, इट मीन्स पोइट्री, नॉवेल्स, एसेज एंड ड्रामाज. सो दिस वे वी कैन हैव अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड. बात करते हैं कि रीजनल एंड इंडिजिनस लिटरेचर कैसे इसमें आया, यानी क्षेत्रीय और स्वदेशी जिसको कहते हैं साहित्य का आगमन इसमें हुआ है. सो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो रेफर करता है दैट बॉडी ऑफ वर्क बाय राइटर्स फ्रॉम इंडिया हु राइट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे और लिखते हैं, एंड हुज नेटिव और को नेटिव लैंग्वेज कुड बी वन
ऑफ द न्यूमरस रीजनल एंड इंडिजीनियस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। पहले तो अपनी अपनी भाषा में लोग लिखते थे और इंडिजीनियस यानी स्वदेशी भाषा में लिखते थे, लेकिन उसका ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है। सो इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द वर्क्स ऑफ राइटर्स ऑफ इंडियन डिसपोरा बॉर्न इन इंडिया बट रिजाइडिंग एल्सवेयर। तो भारतीय समाज कल्चर इत्यादि को यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, भले वो दूसरे जगह रहते हों, लेकिन ये रहने वाले अगर वो इंडिया के हैं और वो कहीं विदेश में भी रहते हैं तो इंडियन कल्चर को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शो किया है, दिखाया है। सो दिस वे रीजनल और इंडिजीनियस फ्लेवर आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में दिखाई पड़ती है। सो रीजनल और इंडिजीनियस लिटरेचर के कारण इंडिया का जो कल्चर और सिविलाइजेशन है बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, सिंस द मीडियम हैज़ बिकम इंग्लिश, चूँकि इंग्लिश इसका मीडियम बन गया है। सो दिस वे नाउ वी हैव सम पायनियर्स, कुछ प्रणेता इसके हैं जिन्होंने शुरुआत की थी। अ पायनियर ऑफ दिस लिटरेचर वॉज राजा राम मोहन रॉय, हुज प्रोज वर्क्स इज नोटवर्दी। राजा राम मोहन रॉय का जो वर्क है बहुत ही नोटवर्दी है, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देर वेर पोएट्स हु आर कंसिडर्ड द फर्स्ट ऑफ द इंडियन इंग्लिश पोएट्स लाइक हेनरी विवियन डेरोजियो, माइकल मधुसूदन दत्त, अरू एन तोरुदत्त एंड मनमोहन घोष। दीज आर द पोएट्स हु आर कंसिडर्ड द फर्स्ट कंट्रीब्यूटर एंड द पाइनियर्स। ये लोग शुरुआत किए राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है, इन लोगों ने कविताएँ लिखी अपनी, ठीक है। सो दिस वे वी हैव सो मैनी कंट्रीब्यूटर्स एंड पाइनियर्स इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली, आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ वी हैव इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश एक्चुअली डेट्स बैक टू काशी प्रसाद घोष, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन पोएट इन इंग्लिश। काशी प्रसाद घोष को पहला भारतीय कवि माना जाता है, चूँकि उन्होंने अपनी पोइट्री से शुरुआत की, यहाँ पर इंडियन राइट इंग्लिश में पोइट्री लिखना शुरू किया उनके पोएम्स जो हैं, इसलिए उनको फर्स्ट कहा जाता है इंडियन इंग्लिश पोएट। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू याद रखेंगे, राइट। नाउ वी हैव फॉर्म्स इन राइटिंग इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में फॉर्म्स क्या थे, क्या फॉर्मेट लेकर लोगों ने लिखना शुरू किया, तो इस तरीके से हम लोग आगे देखते हैं कि सोची चंद्र दत्त जो थी वॉज द फर्स्ट राइटर ऑफ फिक्शन। फिक्शन की शुरुआत उन्होंने की थी जिसमें प्रोज वर्क्स आते हैं, क्रिटिसिज्म आता है। सो इन द बिगिनिंग हाउएवर पॉलिटिकल राइटिंग इन द नॉवेल और एसे फॉर्मेट वॉज डोमिनेंट। शुरुआत में क्या था कि पॉलिटिकल राइटिंग होती थी, राजनीतिक चीज़ों को लिखा जाता था नॉवेल्स में। नॉवेल में जो थीम होता था वो पॉलिटिकल होता था, एसेज में जो थीम होता था वो पॉलिटिकल होता था, और यह बहुत प्रभावी था, डोमिनेंट था, एज कैन बी सीन इन राजा राम मोहन रॉय वर्क्स। तो राजा राम मोहन रॉय के वर्क में ये सब चीज़ आप देख सकते हैं किस प्रकार पॉलिटिकल स्टिंक्ट था उसमें। एन आउटस्टैंडिंग इंडो एंग्लियन राइटर वॉज श्री अरविंदो घोष, हुज पोइटिक मैग्नम ओपस इज सावित्री एन एपिक। अरविंदो घोष का एक बहुत ही महान कार्य इसको कह सकते हैं, जिसको मैग्नम ओपस भी कहा जाता है, जैसे किसी महान वर्क को या लिटरेरी वर्क को हम लोग मैग्नम ओपस के नाम से जानते हैं, और यह सावित्री उन्होंने लिखा था जो एक महाकाव्य है, एक एपिक है। सो इन प्रोज हिज मोस्ट इफेक्टिव वर्क इज द लाइफ डिवाइन एंड आउटलाइनिंग हिज मेटाफिजिक्स इन अ रिच लैंग्वेज। उन्होंने बहुत सारी और भी किताबें लिखी हैं जिसमें मोस्ट इफेक्टिव द लाइफ डिवाइन है, और मेटाफिजिक्स को दिखाया है, बौद्धिक ज्ञान को दिखाया है, धार्मिक चीज़ों को दिखाया है, और इसका जो लैंग्वेज है बहुत ही रिच है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, और इसे समझने के लिए आपके पास एक अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए। इट मीन्स यू मस्ट हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर द वर्ड्स। तो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है इसमें। सो द लाइफ डिवाइन जो है एक आउटलाइनिंग मेटाफिजिक्स है, ठीक है। तो ये फॉर्म्स और फॉर्मेट थे राइटिंग के इन इंडियन इंग्लिश इन राइटिंग। कंट्रीब्यूशन ऑफ के पिलर्स कुछ लोग हैं जिनको आप स्तंभ कह सकते हैं। सम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर के जितने भी वर्क्स हैं वर ओरिजिनली रिटेन इन इंग्लिश लाइक साधना पर्सनालिटी एंड द
रिलीजियन ऑफ मैन, इस तरीके के जो वर्क्स हैं उनके, वो एक तरह से पिलर्स साबित हुए हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में. येट अनदर इंडियन राइटर इन इंग्लिश वॉज सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से, भारत कोकिला के नाम से हम लोग जानते हैं. हु रेंडर्ड फैमिलियर थिंग्स विच एन एसेंस ऑफ कलर एंड रोमांस, जिसमें बहुत सारी फैमिलियर चीज़ों को उन्होंने दिखाया है, रोमांस को दिखाया है, एसेंस ऑफ कलर को दिखाया है कि हमारे भारतीय कल्चर में, साहित्य में क्या क्या चीज़ें हैं. उनकी कुछ जो कृतियाँ हैं लाइक द गोल्डन थ्रेश होल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग आर हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स. उनके महान कुछ कार्यों में से ये आते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. जवाहरलाल नेहरूज प्रोज वर्क्स लाइक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आर फेमस. उनके कुछ प्रोज वर्क्स हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, जवाहरलाल नेहरू के, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर. ओके, सो नाउ वी शुड मूव ऑन. नाउ वी हैव नॉवेल एंड नॉवेलिस्ट्स. हमारे सामने कुछ नॉवेल्स हैं और जिनके लिखने वाले नॉवेलिस्ट्स हैं. तो इन द जेनर ऑफ नॉवेल, थ्री अर्ली राइटर्स, जो तीन शुरुआती राइटर्स रहे हैं, मेड अ मार्क, जिन्होंने अपना एक पहचान बनाया है, जिसमें से मुल्क राज आनंद, स्कूली, अनटचेबल, द बिग हार्ट एंड अदर नॉवेल्स आर अबाउट द अंडर प्रिविलेज्ड इन इंडिया. तो लिखा तो गया लेकिन बहुत ज़्यादा शुरू में लोगों ने पसंद नहीं किया, बाद में लेकिन ये लैंडमार्क बने हमारे लिए, हम लोगों ने इसको एक अच्छे साहित्य के रूप में देखा बाद में, ये नॉवेल्स को, इन नॉवेल्स को. आर के नारायण, जो कि बहुत ही महान नॉवेलिस्ट रहे हैं, हैज़ बिकम फेमस फॉर क्रिएटिंग द इमेजनरी मालगुड़ी, जो एक लोकल एक उन्होंने फीट किया था, यानी एक तरह से एक इमेजनरी प्लेस अपने नॉवेल्स में उन्होंने डाला था, जिसका नाम मालगुड़ी है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछता भी है. सो मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स आर फुल ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेल, इट मीन इस स्थान का जिक्र उसमें देखने को मिलता है. ही हैज़ अ ह्यूमरस मैनर, बहुत ही शानदार तरीके से, ह्यूमरस तरीके से, हंसी मजाक के तरीके से भी, एंड एन कॉमिक इन द वर्ल्ड अराउंड हिम, वो बहुत ही कॉमिकल वर्ल्ड को आसपास दिखाते थे और बहुत ही शानदार तरीके से शो करते थे इस दुनिया को अपने नॉवेल्स की मदद से. सो हिज वर्क्स इंक्लूड स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, द डार्क रूम, द गाय वेटिंग फॉर द महात्मा एंड द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी एट्सेट्रा, जो उनके महान नॉवेल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं. सो दीज आर ग्रेट नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण. नाउ वी हैव मोर नॉवेलिस्ट्स एंड वुमेन नॉवेलिस्ट, लाइक वी हैव राजा राव, जिनमें से तीनों में से नाम आया पहला, जो आप देख रहे हैं यहाँ. सबसे पहले आए मुल्क राज आनंद, सेकेंड आर के नारायण, और अगले जो हैं उनका नाम है राजा राव, जो कि एक गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं एंड हैज़ रिटेन ओनली फोर नॉवेल्स, चार नॉवेल्स उन्होंने लिखा है, जिसमें से नाम आप ध्यान रखेंगे लाइक कांथापुरा, द सर्पेंट एंड द रोप एंड शेक्सपियर. ये जो चार नॉवेल्स हैं उन्होंने, बिसाइड्स द लेजेंडरी एंड ह्यूजली वेनरेटेड इंडियन इंग्लिश लिटरेरी पर्सनैलिटीज लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर और आर के नारायण, लेटर नॉवेलिस्ट लाइक कमला मार्कंडे, जो कि एक वुमेन नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है नेक्टर इन अ सम इनर फ्यूरी, अ साइलेंस ऑफ डिजायर, टू वर्जिन्स एट्सेट्रा, ये वुमेन नॉवेलिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं. सो इस तरीके से वी हैव मोर नॉवेलिस्ट एंड वुमेन नॉवेलिस्ट टू, एंड वी हैव सम मॉडर्न वर्क्स अहेड, कुछ मॉडर्न वर्क्स भी हम लोगों को देखने हैं, लाइक मनोहर मालगांवकर्स, डिस्टेंट ड्रम, कॉम्बैट ऑफ शेडोज, द प्रिंसेस, द बेंड इन द गैंजेज एंड द डेविल्स वेंड एट्सेट्रा, ये सब जो हैं वो मॉडर्न वर्क्स हैं मनोहर मालगांवकर के. अनिता देसाई, क्लियर लाइट ऑफ अ डे, द एकम्पनिस्ट, फायर ऑन द माउंटेन, गेम्स एट ट्वाइलाइट एट्सेट्रा, ये उनकी कृतियाँ हैं अनिता देसाई के, ठीक है. नरेन तारा सहगल हैज़ सीजलेसली कैप्चर्ड द स्पिरिट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में लिखने वाली नयन तारा सहगल, बहुत ही सीजलेसली, यानी एक स्वच्छंद धारा के रूप में वो अपने स्पिरिट को कैप्चर करते हुए दिखाती हैं इंडिया को, एंड स्ट्रगलिंग इंडिया को दिखाया है टू ब्रेक अवे फ्रॉम द ब्रिटिश एंड एस्टैब्लिश अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है अपने लेखन से.
नेक्स्ट हैं खुशवंत सिंह, जिनकी बहुत ही फेमस एक नॉवेल है ट्रेन टू पाकिस्तान। फिर है भवानी भट्टाचार्य, उनके लिखे हुए सो मैनी हंगर्स, ही हु राइड्स टाइगर, म्यूजिक फॉर मोहिनी और अदर इंडियन नॉवेलिस्ट फेमस फॉर देयर राइटिंग इन इंग्लिश। ये बहुत फेमस राइटर्स हैं इंग्लिश में, ठीक है। सो दीज आर सम मॉडर्न वर्क्स बाय द मॉडर्न राइटर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। नाउ वी हैव रिसेंट राइटर्स। इन द रिसेंट पास्ट वी हैव हैड अ क्रॉप ऑफ फ्रेश टैलेंट। कुछ फ्रेश टैलेंट भी हमारे सामने आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो टैलेंट आए हैं ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s। इंडिया हैड इमर्ज्ड एज अ मेजर लिटरेरी नेशन। अब एक मेजर लिटरेरी नेशन के रूप में इंडिया को देखा जा सकता है, जिनमें से कुछ महान लोगों के नाम आते हैं लाइक अदर राइटर्स लाइक सलमान रश्दी, जिनके मिड नाइट्स चिल्ड्रेन जो है बहुत ही फेमस हुआ, हैड बिकम अ रेज अबाउट द वर्ल्ड, विनिंग द बुकर प्राइज, इसमें उनको बुकर प्राइज भी मिला। अदर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर नॉवलिस्ट ऑफ रिप्यूट ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम्स इंक्लूड V.S. नायपॉल, शोभा डे, जिनके सेलेक्टिव मेमोरी, J.V. देसाई, M. अनंत नारायण, अरुण जोशी, O.V. विजयन, एलन सेली। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखा द चौटरमा, शशि थरूर का शो बिजनेस, द ग्रेट इंडियन नॉवल एंड अमिताभ घोष का सर्किल ऑफ रीजन, शेडो लाइन्स, विक्रम सेठ की लिखी हुई नॉवल जो है जो कि वर्स में लिखी गई, द सुटेबल बॉय, विच इज़ इक्वली फेमस फॉर द स्टिपेंडस एडवांस ही गॉट फ्रॉम हिज पब्लिशर्स। बहुत ही नाम कमाए इन लोगों ने और ये रिसेंट राइटर्स हैं और इनकी जो राइटिंग है अभी देश विदेश में धूम मचाती है। सो दिस वे वी हैव सम रिसेंट राइटर्स, मॉडर्न राइटर्स। वी ऑल्सो हैव सम न्यू कंट्रीब्यूटर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी भी, जैसे उपमन्यु चटर्जीज इंग्लिश ऑगस्ट हैज मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ एज अ फॉरमोस्ट मॉडर्न नॉवलिस्ट। ये सब मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं। अरुंधति रॉय इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो कि 1997 में बुकर प्राइज इनको मिला एंड बिकेम एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ओवरनाइट। इसको ओवरनाइट बेस्ट सेलर कहा गया इस किताब को, बहुत बिकी है किताब, मिलियंस ऑफ कॉपीज बिकी है इसकी। रोहिंगटन मिस्त्री, फिरदौस कांगा, किरण देसाई की लिखी हुई स्ट्रेंज हैप्पीनेस, इन द ग्वावा ऑर्चार्ड, ठीक है। सुधीर कक्कर का लिखा हुआ द एसेटिक ऑफ डिज़ायर, आर्दशीर वकील का लिखा हुआ बीच बॉय एंड झुम्पा लाहिरी का लिखा हुआ इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज आर सम अदर रेनोन राइटर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये सब कुछ रेनोन राइटर्स हैं, अभी के वर्तमान जाने पहचाने नामी गिरामी राइटर्स हैं। सतीश गुजराल्स ब्रश विथ लाइफ, आर के लक्ष्मण्स द टनल ऑफ टाइम, प्रोफेसर बिपिन चंद्राज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सुनील खिलनानीज द आइडिया ऑफ इंडिया। सो ये सब कुछ महान नई कृतियाँ हैं और कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज ग्रोइंग डेली एंड विथ ग्रेट रैप्चर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट नाउ 20th सेंचुरी पोएट्स लाइक जयंत दीक्षित, 50 ईयर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, योगेश चड्डाज रीडिस्कवरिंग गांधी एंड पवन के वर्माज द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास आर ऑल्सो सम नोटेबल वर्क्स ऑफ रिसेंट टाइम्स। अभी वर्तमान के समय की ये बहुत ही नामी गिरामी लेख हैं। द मिड 20th सेंचुरी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हैड विटनेस्ड द इमर्जेंस ऑफ पोएट्स सच एज नसीम एजिकियल्स, द अनफर्निश्ड मैन, पिलाई, ए के रामानुजम्स, द स्ट्राइडर्स, रिलेशंस, सेकेंड राइट, सेकेंड साइट, सेलेक्टेड पोएम्स, डॉम मॉरिस, अ बिगिनिंग, केकिन दारूवाला एंड गिबी पटेल, दीज आर सम ग्रेट राइटर्स। सो दीज ऑथर्स मेक यूज ऑफ इंडियन फ्रेजेस अलॉन्ग साइड इंग्लिश वर्ड्स एंड हैव ट्राइड टू रिप्रोड्यूस अ ब्लेंड ऑफ द इंडियन एंड द वेस्टर्न कल्चर्स। इस तरीके से इंडियन और वेस्टर्न कल्चर को एक नया आयाम देने के लिए दोनों को मिलाया गया और इस तरीके के ये राइटर्स जो हैं वो इंडियन और वेस्टर्न दोनों को मिलाकर लिखते हैं। सो दीज आर सम 20th सेंचुरी पोएट्स। तो These are great poets. Now, what we get in the conclusion?
Thus, Indian poets, novelists, essayists, dramatists have been making momentous and considerable contribution to the world. इनका जो योगदान है बहुत ही महान देखने को मिलता है. एंड सिंस द प्री इंडिपेंडेंस एरा, ये स्वतंत्रता के पहले से भी, एंड द पास्ट फ्यू ईयर्स हैव विटनेस्ड अ थ्राइविंग ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग इन द ग्लोबल मार्केट. और ग्लोबल मार्केट में ये अभी बहुत छाए हुए हैं और इंडियन राइटिंग भी छाई हुई है. सो द वर्क्स ऑफ इंडियन ऑथर्स राइटिंग इन इंग्लिश आर फाउंड ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट. आजकल इनकी किताबें बहुत बिकती भी हैं. सो ये प्रूव करता है कैसे इंडियन राइटिंग जो है आज वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर चुका है. सो दे आर ऑल्सो इनकरिंग एंड अर्निंग एन इमेंस अमाउंट ऑफ क्रिटिकल फेम. लोग क्रिटिकली भी इनको बहुत फेम दे रहे हैं. इंडियन राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश कर रही है. सो इस तरीके से इंडियन राइटिंग को आप समझ सकते हैं. नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर कोई आपको लगता है कि कोई प्रश्न दिमाग में है तो आप चैट में लिख सकते हैं. आई विल बी एबल टू आंसर यू. मैं आपको जवाब भी दे सकता हूँ. सो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन काइंडली राइट इन चैट बॉक्स. So students, thank you so much. If you have any question, the chat box later also, बाद में भी आप लिख सकते हैं. I'll be helping you out. मैं आपकी मदद करूँगा. So thanks for joining the class. Keep on watching. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.